हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 20 जीएसईबी टेक्स्ट बुक, जिसका रेफरेंस में इलस्ट्रेशन 14 है। बच्चों, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड है बच्चों शेयर, डिबेंचर और लोन से। तो इसके अंदर बच्चों स्पेशली बिजनेस ऑनर कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल से रिलेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया है, वो टॉपिक के अंदर बच्चों हमने अब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उससे जुड़ा हुआ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के सम कर लिए। बच्चों अब लास्ट दो सम बचे टेक्स्ट बुक में, आई थिंक सम नंबर 20-21, वो रिलेटेड है बच्चों फाइनेंस एक्टिविटी से। तो सम नंबर 20 आप देख सकते हो बच्चों, इसका भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर रुपीस, पैसे आए तो आपको ऐड करना है, जाए तो माइनस करना है। बच्चों अब प्रश्न ये होगा बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किससे जुड़ा हुआ कैश फ्लो आएगा? तो यही बच्चों मुझे आपको समझाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बच्चों कैश इनफ्लो कहाँ से मिलेगा? तो जब भी बच्चों कोई भी ऑनर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो या फिर इश्यूड हो, उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड हो या इश्यूड हो, डिबेंचर इश्यूड हो, लोन टेकन हो, ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों आपको बिजनेस में पैसे रिसीव होंगे। आपने शेयर इश्यू किए, लास्ट ईयर 3 लाख के शेयर थे, करंट ईयर में 5 लाख हो, तो ड्यूरिंग दर 2 लाख के शेयर इश्यू के पैसे रिसीव होंगे, दैट इज कैश इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, इंक्रीज हुई वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, कैश इनफ्लो। डिबेंचर इश्यू किया, डिबेंचर की वैल्यू इंक्रीज हुई, कैश इनफ्लो। लोन लिया बच्चों, बिजनेस के अंदर पैसे आए, दैट इज कॉल कैश इनफ्लो, बोरोड लोन। तो बच्चों कैश आउटफ्लो किसे कहेंगे? तो रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर। जब भी बच्चों प्रेफरेंस है इक्विटी कैपिटल या डिबेंचर के पैसे रिटर्न करे शेयर होल्डर को, पैसे जाएंगे बच्चों इन दिस कंडीशन, दैट इज कॉल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद बच्चों लोन रीपे करो या कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट पेड करो। तो इस प्रकार की बच्चों जो भी एक्टिविटीज है उसे कहा जाता है सिंपल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इससे जुड़ा हुआ वर्किंग आपको करना है। तो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको 3 ही पॉइंट रखना है, शेयर कैपिटल में इक्विटी, प्रेफरेंस डिबेंचर, लोन इश्यू करो इंक्रीज करो, पैसे रिसीव हो तो यहाँ ऐड करना है, पैसे जाए तो यहाँ माइनस करना है। तो बच्चों ध्यान कॉमर्स की टेक्निक में यहाँ ऐड और थोड़ी जगह छोड़ के मैं लेस दिख देता हूँ बच्चों, ठीक है? चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ बच्चों। यस, अब मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 20 टेक्स्ट बुक का बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। पेज नंबर है आई थिंक 287। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नीचे बच्चों परचेज से लेके पेड फॉर पेटेंट्स अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए बच्चों, आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब यहाँ आपको ध्यान ही रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर आपको मात्र फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेनी है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ध्यान में नहीं लेना है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए टीचर ने अगर वो पॉइंट दिया हो बच्चों तो आपको ध्यान में नहीं लेना है, निग्लेक्ट करना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है परचेज ऑफ लैंड, इसका बच्चों उपयोग हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं करना है। लैंड खरीदना हुआ बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हमें ध्यान में नहीं लेना है। उसके बाद है बच्चों इक्विटी शेयर इश्यूड, अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो पब्लिक में आपको पैसे रिसीव होंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें ऐड में लिखोगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड, जिसकी वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 1,45,000। तो इस प्रकार से बच्चों आपको मात्र फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पॉइंट लेना है। उसके बाद है बच्चों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन का मीनिंग होता है बच्चों प्रेफरेंसेस जब इश्यू किए आफ्टर सम टाइम उसके पैसे वापस दे रहे, रिटर्न करना, पैसे रिटर्न देना। तो बच्चों ये कैश आउटफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा बच्चों, तो यहाँ उसके पैसे जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इश्यू करो तो पैसे रिसीव होंगे बच्चों, कितना आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों 60,000, ये पैसे जाएंगे इसलिए हमें टोटल में से माइनस करना है। आगे जाते बच्चों, सेम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर भी एक लायबिलिटी है बच्चों आफ्टर सम टाइम उसके पैसे वापस करने, रिटर्न करने बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ बच्चों लेस में लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर, यहाँ बच्चों सीधा हमें वैल्यू दिया हुआ है, ये लिखा मैंने, माइनस करना है, पेमेंट करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा बच्चों 70। उसके बाद है बच्चों बोरोड बैंक लोन। अगर आप बैंक में से लोन लेते हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस, पैसों की जरूरत है आपको, ऑनर कैपिटल नहीं है पर बोरोड कैपिटल है, तो आपके पास पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो में लिखोगे बच्चों बोरोड बैंक लोन, तो ये हमारे पास पैसे बढ़ेंगे जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 90,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। तो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंसेस वो ऑपरेटिंग में आएगा, पर यहाँ ये नहीं देखना है बच्चों, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है बच्चों, ऑनर कैपिटल बोरोड कैपिटल है, तो अगर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो तो वो फाइनेंस में आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट किया, कैश गोज आउट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एक्टिविटीज, आउटफ्लो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, पेमेंट करेंगे बच्चों कैश जाएगा, वैल्यू आएगी आई थिंक 6,000, पेमेंट करना है इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ बच्चों ब्रैकेट में। आगे जाते हैं, उसके बाद है बच्चों डिविडेंड पेड। अब यहाँ बच्चों डिविडेंड भी किसके ऊपर दिया जाता है, शेयर कैपिटल के ऊपर, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पॉइंट है बच्चों, कैश आउटफ्लो होगा, पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, फिर से मैं आउटफ्लो में लिख रहा हूँ डिविडेंड पेड। ओके, वैल्यू, तो वैल्यू हमें दिया हुआ आई थिंक बच्चों 8,000, ये लिखा फिर से मैंने ब्रैकेट में, यहाँ बच्चों लेस की साइन भी लिखी है पर आपको समझ आए इसलिए मैं इनफ्लो आउटफ्लो को अलग कर रहा हूँ बच्चों। आगे जाते हैं, उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ फर्नीचर, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है बच्चों। अब यहाँ जो डिबेंचर इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, वो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड पॉइंट इससे कनेक्टेड नहीं है बच्चों, वो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, ये खास ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है बच्चों, हमें ध्यान में नहीं लेना। परचेज ऑफ मशीन, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, हमें नहीं लेना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बच्चों, नहीं आएगा। उसके बाद है बच्चों पेड फॉर पेटेंट्स, पेटेंट्स का पॉइंट भी बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आई थिंक परचेज ऑफ लैंड, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर पेटेंट्स आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दिस इज द रीजन वाई वी आर नॉट टेकिंग। ओके, तो आई थिंक बच्चों मेरा काम पूरा हो गया है, अब ये पहले दो का मैं टोटल करता हूँ कैलकुलेटर से। अब बच्चों मेरे पास कैलसी अवेलेबल है, मैं ले लेता हूँ, यस यस, 1,45,000 प्लस 90,000, 2,35,000, अब उसमें से लेस करोगे बच्चों माइनस 60,000, 70,000, 6,000 एंड 8,000, आई थिंक 91,000 आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ यस बच्चों, कैश फ्लो या कैश इनफ्लो भी कह सकते हो बच्चों, प्लस में आया तो आपको लिखना हो तो कैश फ्लो की जगह पे कैश इनफ्लो वर्ड भी आप लिख सकते हो बच्चों। वैल्यू आएगी आई थिंक नेट 91,000, ये हो गया बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आप देख सकते हो क्या क्या हमने इंक्लूड किया बच्चों, इक्विटी, शेयर कैपिटल, बोरो लोन, प्रेफरेंस है, डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस पर्पज से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इलुस्ट्रेशन 14 ऑफ GSEB टेक्स्ट बुक बच्चों, जिसके अंदर आपको कैश फ्लो फाइंड करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। आपके पास दो साल की इन्फॉर्मेशन है बच्चों, जिसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है बच्चों, और नीचे दो एडजस्टमेंट है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में पूरा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन से पहले इलुस्ट्रेशन 14 बच्चों, गुजरात बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन मेरे सामने बच्चों, इसका PDF इमेज मैंने आज के लेक्चर में रखा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 276 खुला रखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हेतल कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नीचे बच्चों इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, दो साल का डेटा है 17 और लास्ट ईयर 18 बच्चों। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड का पेमेंट दिया है, प्रेफरेंस का पेमेंट है और बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट है। हमें कैश फ्लो फाइंड करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बच्चों। फिर से यहाँ ऐड करके अगर आपको लिखना हो बच्चों तो आपके समझने के लिए लिख सकते हो कैश इनफ्लो।
आई थिंक एड में एक ही पॉइंट है बच्चों, और फिर लेस करके लिखना हो तो आप लिख सकते हो कैश आउटफ्लो। ये आपके समझने के लिए बच्चों, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। यस, चलो सबसे पहले बच्चों मैं टेबल के अंदर देख रहा हूँ, पहला पॉइंट है इक्विटी कैपिटल। लास्ट ईयर बच्चों कैपिटल 12 लाख थी, करंट ईयर वो गई 18 लाख, तो आप डिफरेंस देख सकते हो 6 लाख कैपिटल इंक्रीज हुई, यानी कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू किए होंगे बच्चों और 6 लाख रुपए रिसीव किए होंगे, दैट इज कॉल कैश इनफ्लो। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज हुई बच्चों, तो करंट ईयर में 18 लाख है, लास्ट ईयर 12 लाख थी, डिफरेंस लेना है। ये वैल्यू बच्चों 6 लाख रुपए रिसीव हुए। आगे जाते हैं बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 10 लाख थी, करंट ईयर हो गई 8 लाख, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर ऐसा कह सकते हैं बच्चों कमी हुई, यानी प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज हुई, उसके पैसे हमने वापस दिए होंगे, कैश गोज आउट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो में लिखोगे बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज्ड, जिसका डिफरेंस मुझे दिख रहा है बच्चों आई थिंक 2 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों डिबेंचर के अंदर मेरा ध्यान जाए, लास्ट ईयर भी 6 लाख थे, करंट ईयर भी 6 लाख है, दैट मीन्स नो चेंज, नो इंक्रीज, नो डिक्रीज, ठीक है। चलो उसके बाद का पॉइंट देखते हैं बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले डिविडेंड का पेमेंट किया है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एक्टिविटीज, पैसे जाएंगे, कैश गोज आउट। इसको बच्चों ब्रैकेट में लिखना है, हमें माइनस करना है, खास ध्यान रखना। ये लिखा मैंने बच्चों डिविडेंड पेड, जिसके अंदर डिविडेंड पेड पहला लिखेंगे बच्चों इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है बच्चों आई थिंक 2 लाख रुपए, पैसे जाएंगे। उसके बाद है बच्चों फिर से डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 1 लाख, ये भी कैश जाएगा, माइनस करना है। और उसके बाद लास्ट में बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट, जो भी मुझे पेमेंट करना है, यस फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। तो बच्चों देख सकते हो आप कितना आसान क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को लिखना बच्चों, पैसे आए 6 लाख, गए, ये सब माइनस करोगे बच्चों यू विल रिसीव कैश, आई थिंक माइनस वाला टोटल ज़्यादा रहा है, प्लस वाला ज़्यादा, प्लस वाला ज़्यादा है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके 6 लाख में से बच्चों जैसे माइनस करोगे 2, 2, 4, 1, 5, 50, तो बचेंगे बच्चों 50,000, दिस इज कॉल कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप बच्चों 2 साल के डेटा में डिफरेंस कैसे लिया आपको समझ आया होगा। वीडियो पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 21 ऑफ GSEB टेक्स्ट बुक, जो बच्चों गुजरात बोर्ड 2020 में आ चुका है, जिसके अंदर हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइंड करनी है बच्चों। 2 साल का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 17, 16, डिबेंचर इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, नीचे एडिशनल में 3 पॉइंट है बच्चों। तो बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा हूँ, यहाँ अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना हो या उसका स्क्रीन इमेज लेना हो तो ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 21 ऑफ GSEB टेक्स्ट बुक बच्चों, दिस इज कॉल लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो। तो बच्चों यहाँ टॉपिक पूरा हो रहा है, मैं लास्ट क्वेश्चन में रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर से बच्चों इलस्ट्रेशन 14 की तरह, 2 साल का डेटा है 17-16, डिबेंचर इक्विटी, डिबेंचर प्रेफरेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नीचे बच्चों फिर 1, 2, 3 एडजस्टमेंट है, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का यूज करना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ कैश इनफ्लो आउटफ्लो की जगह पे मैं आपको डायरेक्ट बुक की तरह, पैसे आए तो बच्चों प्लस में लिखना है, तो जाए तो माइनस में, रेडी। चलो सबसे पहले डिबेंचर लेते हैं बच्चों, पहला पॉइंट, लास्ट ईयर 195 था, करंट ईयर हो गया 245, डिफरेंस निकालेंगे 50,000, डिबेंचर इंक्रीज हुए, यानी बिजनेस ने डिबेंचर इश्यू किए होंगे, बिजनेस को पैसे रिसीव होंगे, दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक नंबर में डिबेंचर इश्यूड, या इसे कह सकते हैं इंक्रीज्ड, कैसे पता चला बच्चों, तो लास्ट ईयर था 195, सॉरी पहले हमें करंट ईयर का लिखना है, करंट ईयर में 245, लास्ट ईयर था 195, जैसे डिफरेंस लोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 50,000, यस
ये लिख दिया मैंने 50,000 टेबल का फर्स्ट पॉइंट। ओके आगे जाते हैं बच्चों, सेकेंड पॉइंट इक्विटी कैपिटल 250 था 350 हुआ, इक्विटी कैपिटल इंक्रीज यानी पब्लिक के लिए इश्यू किए होंगे शेयर बच्चों, कैश रिसीव होगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड, कैसे आई बच्चों तो मेरे पास करंट ईयर में 345 है, लास्ट ईयर कैपिटल थी 250, लगभग बच्चों 95,000 रुपीज इंक्रीज हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो बच्चों सेकंड पॉइंट पूरा हुआ टेबल में। थर्ड पॉइंट ले रहे बच्चों 12% के डिबेंचर, ये यहां लिखना हो बच्चों आपको नॉलेज के तौर पर लिख सकते हो, ये 10% का डिबेंचर था बच्चों। आगे जाते हैं, इसका कोई यूज नहीं है मात्र नॉलेज के लिए। 12% के डिबेंचर बच्चों अब अलग ध्यान से देखना, लास्ट ईयर 150 था, करंट ईयर 1 लाख हो गया, यानी डिबेंचर डिक्रीज हुआ बच्चों, यानी डिबेंचर को हमने पेड किया होगा, डिबेंचर होल्डर्स को बच्चों पेमेंट किया होगा ऐसा कह सकते हैं। थर्ड नंबर में 12% डिबेंचर डिक्रीज या कह सकते हैं पेड, कैसे पेमेंट किया बच्चों तो लास्ट ईयर 150 था, करंट ईयर 1 लाख हो गया बच्चों, 50,000 रुपये पेमेंट किया होगा। और पेमेंट करो तो कैसे लिखोगे, कैश जाएगा माइनस में लिखेंगे बच्चों। आगे जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख था, फिर लास्ट में हो गया 80,000, यानी 20,000 कम हुआ, तो इसे भी कहेंगे बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज या कह सकते हैं रिडीम, पैसे वापस देना। कितने वापस दिए बच्चों तो डिफरेंस सीधा दिख रहा है 20,000 रुपये पेमेंट किया, कैश गोज आउट माइनस होगा। उसके बाद है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, लास्ट ईयर 68 था, करंट ईयर हो गया 45, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट भी कम हुआ बच्चों, यानी उसका भी पेमेंट किया होगा, डिक्रीज हो गया। पांच नंबर में बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज्ड या कह सकते हैं पेमेंट, तो लास्ट ईयर 68 था बच्चों, करंट ईयर हो गया 45, डिफरेंस निकालोगे तो आई थिंक 23,000 आएगा। यस बच्चों ये टेबल के अंदर के बच्चों पांचों पॉइंट पूरे हुए, आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। कैश रिसीव हो रहा है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो, कैश रिसीव, पहले दो पॉइंट में डिबेंचर और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैश कम्स इन, तो प्लस में लिखा डिबेंचर कम हुए बच्चों पेमेंट किया, प्रेफरेंस कम हुए पेमेंट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ पेमेंट किया। अब बच्चों नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश जाएगा बच्चों, ये मैंने लिखा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, कैश गोज आउट बच्चों, तो हमें माइनस में लिखना होगा, ये ब्रैकेट में लिखा मैंने 12,000। उसके बाद है बच्चों पेड 22,000 फॉर इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बच्चों, 22,000 रुपए डिविडेंड पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, केस गोज आउट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, कितना पेमेंट किया बच्चों, केस गोज आउट, इसलिए माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 22,000। आगे जाते हैं बच्चों पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बच्चों फाइनेंसिंग के पैसे जाएंगे, केस गोज आउट। लास्ट पॉइंट बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पेड, कितना पेमेंट किया बच्चों, आई थिंक 4,000, ये बच्चों आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा हुआ, पहली दो आइटम प्लस है, बाकी माइनस करना है बच्चों। जैसे माइनस करोगे मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 95, 50, 20, 23, 12, 22, 4 आंसर आएगा बच्चों, आई थिंक प्लस 14,000 प्लस में आए, तो उसे कहा जाता है बच्चों कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी इतने पैसे बिजनेस में रिसीव हुए बच्चों। आई होप बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको एकदम क्लियर वे पे समझ आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया बच्चों। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका पीडीएफ इमेज रखा है जहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो ये हो गया आपका 4 मार्क का आउटस्टैंडिंग सम, पर मोस्ट प्रोबेबली बच्चों एग्जाम के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ज्यादा यूज होता है, जिसके ऑप्शन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। तो आई होप बच्चों आपने अच्छी मेहनत की होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए बच्चों, और फिर रिजल्ट लाइए। यहां तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।